महात्मा लोगों ने लिखा है, दादू दुनिया बावली सोच करे क्यों गेली, दादू दुनिया बावली सोच करे क्यों गेली। अरे अटल देवे जी ने राम जी पाचा देसी दिनों का सो पहली भगवान तो डायरी लियोड़ो बैठो है, कुण लाख रुपये देवे कुण दो लाख रुपये पाचो मैसेज कर देवे। आप एक लाख रुपए दो, दिन उगते ही सवा चार बजे आपके फोन में मैसेज बोलेगा, योर अमाउंट इन 2 लाख, प्लीज कलेक्ट योर बैंक, जाओ और 10 बजते एटीएम डालो और 2 लाख पाचा निकालो। वो भगवान रो एटीएम है साहब, उसका एटीएम कभी बंद होता ही नहीं है, वहां कभी लॉकडाउन लगता ही नहीं है, वहां मास्क लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो तो क्या, खुला दे और खुला लो, बंदा दे और बंदा लो, धक्का दे और धक्का लो। जैसा तू करेगा वैसा तैयार है, जैसा तूने बीज बोया वैसी फसल तैयार है, जैसी तूने रोटी बनाई है वैसी तू जीवने को हाजिर है। सावरियो कद कंजूसी करतो, मेरे घर में कोई चीज रो घाटो को नहीं, वो तो घड़ो ही देवे साहब, लेवनी चाहिए। बर्तन को नहीं अपने कने लेने वालो, बर्तन अपना फुटोड़ा है, जनापा दर दर की ठोकरा खाता पीना, अपनो बर्तन चौको को नहीं, नीचे खाडो बियोड़ो बर्तन के, जना दो हुआमणी राणा भाई गैर, दो कर्मा भाई गैर, दो धनजी गैर, दो फलाण जी गैर, जिंदगी रे मैंने खाली सुहामणिया कहीं करा जी, भेरू जी तो फर्क पड़ी को ना, माता जी को जानो पड़ी। माता जी रे हुआमणी बोली, कहीं करा जी, माता जी वालों मामलो पार पड़ी को नहीं, अब के शाला सर जानो पड़ी, छेक मीना गया शाला सर का गोता, कहीं करा जी शाला सर तो फूटी पड़ी को नहीं, जना अब थोड़ो खाटू श्याम जी को जानो पड़ी। अरे तो भला मीने गौ माता री माता पिता री सेवा करे ना, तुझे धरती पर कहीं घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस वही तो सुख है। गौ माता और माता पिता इनकी सेवा कर ले बस, 68 तीर तो माता पिता के चरणों में और 33 करोड़ देवता के तीर है गौ माता के चरणों में, बस दुनिया तेरी गुलाम बन जाएगी। जन महात्मा लोग लिखे, करनी करे नर क्यों डरे, करके क्यों पिछताए, बीज बाया बबूल का पछे आम कटाऊ खाए, करनी करो तो अच्छी करो पूरी विचारो ना आए, कभी विचार भी दिमाग में बुरा मत लाओ। जिंदगी में अमर सोचो ना फलाण जी को बुरो वे, मैं तो यही कहता हूँ परमपिता परमात्मा जिस तरह मैं खुश हूँ मेरे सामने सभी गौ भक्तों को हमेशा खुश रख। 1 रुपया दिया वो भी गौ भक्त है, 5 लाख दिया 50 करोड़ दिया वो भी मेरे लिए गौ भक्त है। जो गाय की जय बोलता है वो बहुत बड़ा गौ भक्त है, क्योंकि उसके घट में गौ माता जिंदी है, जिंदा है। देत फेरा देव 50, देत को हरी देत है मार मार के हिला, अरे ना देत को क्या देत तुम फेरी देवे गेला, दिए देने भगवान गणो ही दे, क्योंकि दे का नाम ही देना है, दे का नाम देना, लेने वाले का नाम लेना। अब अपन को कैसे देना और कैसे लेना, आप तो सब बुद्धिजीवी गुणी जना, और अटे बैठा जगह 95% लोगों की जिंदगी है मोबाइल, 95% लोगों की जिंदगी है मोबाइल। एक डंडो भी जो बैटरी को उतर गए तो बस, अरे चार्जर लिया मोबाइल उतर गयो। अरे तो भला मैंने शरीर को होच करे ना, वो कतो उतरियो है। पहली लोग घर में आता ना रामर समा करता राम राम साहब, अबे तो घर में जाते हैं पहली पूछे कहीं साहब थारक ने 15 चार्जर है कहीं, कहीं झटको खार मरे नो कहीं आयो चाय तो पी ले, पहली पूछी सैमसंग रो चार्जर है सा, लाइट है तार घर में, नहीं लाइट को नहीं मारे घर में करंट है, खाई ले थोड़ो। ये जिंदगी पूरी बिजी शेड्यूल है साहब, इस शेड्यूल में इस आधुनिक युग में अभी यदि गौ माता नहीं बचाए तो अपने अंदर या तो इंसानियत नहीं है या फिर अपने अंदर कोई परमपिता परमात्मा भी दूर बैठा है। तो भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज जीते मेरे गुलाब के फूल यहां हाजिर हुए हैं, जीते चमेली के फूल यहां हाजिर हुए हैं, ये परमपिता परमात्मा के बहुत लाडले भक्त हैं। महात्मा लिखे भजन में भारत माता की सेवा की और कर रहे हैं, कर्नल साहब ने गौ माता की भारत माता की सेवा की है, आज गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आप जैसे गौ भक्त धरती पर मैं तो लख लख धन्यवाद देता हूं दोनों भाइयों को, भारत माता की सेवा की, आप फौज में भारतीय सेना में, आप भारतीय सेना में कर्नल पद को सुशोभित किया, मंगलपुरा का मान बढ़ाया, और आज इस महादेव गौशाला में एक मुख्य कर्ण जिनको के अगवाणी आप खड़े हैं। एक बार जोधा परिवार के लिए भी तालियों से स्वागत हो जाए। एक फौजी भाई की जिंदगी क्या होती है आप जानते हैं, और ये जोश आपका जो जुनून सब आपको माने जाना यही रहना। आज पूरी रात यहाँ सेवा देनी गौ माता के लिए, आप जितनी सेवा दोगे हम उतने ज्यादा पैर से बेड़ा कराएंगे जावा, बस आपको रुकना नहीं है। आपके पार्टनर भी आ रहे हैं पीछे, शायद आगे हैं, हाँ आगे आगे विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों आगे आ जाओ, दोनों आ जाओ। ओपनर जोड़ी आ चुकी है मैदान में, पिच पर थोड़ी नमी है, देखना बाउंस ना आ जाए। आपकी उम्र लगभग 50 करोड़ है, लो 60 55, मैंने आधार कार्ड नहीं देखा लेकिन अंदाज से बोल रहा हूँ आपकी 55 है, आपकी 60 है शायद,
पक्की, ये पता चल जाता कि इनके हकीकत संस्कारित भाव है और आपकी उम्र भी 55 है और 56 भी लागी अबे। हाँ उतरे पर 56 लागू आज पूर्ण मेरे का लेकम है, क्या बात है, ये होती है क्लियरिटी, रियलिटी 56 लगी अब है या महादेव की मेहरबानी, हाउण उतर को 56 बढ़ गए ताकि बादू आई गो, क्या बात है। हाँ, क्योंकि बड़े लोगों ने लिखा कि बगीचे में फूल खिले हैं तो भौरों ने गुनगुनाया, बगीचे में फूल खिले हैं तो भौरों ने गुनगुनाया, और इस भजन संध्या मंगलपुरा में वही शख्स आया जिसको मेरी गौ माता ने प्रेम से बुलाया है। उठा के हाथ ताली बजाए, क्या 1 2 3 भावदिया जी बैठे हैं, पिंचल साहब बैठे हैं, यूनुस खान साहब जी बैठे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि इंडिया में क्रिकेट का इतना लंबा पिच होगा, ईडन गार्डन भी छोटा है, इतने लंबे पिच में 2-2 रन साथ में लेना, एक भी बॉल खाली नहीं जाने देना, इसे बोलते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, और रन आउट भी नहीं होना, छक्के पे छक्का, नो बॉल पे वाइड बॉल पे छक्का, एक बार हाथ उठा के विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए, क्या बात, हाँ भाई बजा रही है, क्या बात क्या बात। हाँ आपसे बारी है, तालियों के वजन में आपसे बारी है, ये पंगड़ा माता बहनों ये रियलिटी है, आप इनसे बहुत ज्यादा आगे है, आगे है ना, आगे है, देखो प्रधान जी भी ऊपर बैठा है, आगे है। हाँ थर कहीं कहीं को नहीं, खाली तान जैन है, देख लियो थर में पावर कत्तो है, एक बूढ़ी ने एक बीची हो, बैठा बैठा मिला रिया हो, 2-3 तो मिला रहा था लिया, बट कौन मिला है, मिलू का मैं खाली दाब नहीं रही, ले लो ना 2-4 बूढ़िया सागे। धन्यवाद श्री श्याम जी ज्वेलर्स जयपुर, आपकी ओर से 21,000 रुपए। श्री सत्यनारायण जी विजयराज जी सोनी बूटा जी जयपुर 11,000 रुपए। प्रदीप जी दीपक जी सोनी जी जयपुर 11,000 रुपए। कपिल जी सोनी जी जयपुर 5100 रुपए। सुरेश जी पुरुषोत्तम जी सोनी जयपुर 1100 रुपए। जगदीश जी काचवाल खारड़िया 11,000 रुपए। तालु से स्वागत, बोले गौ माता की, बोलो गौ माता की, जोश लगाओ, एक बार आप ठहरना, आप मत बोलना चाहे, इनका पावर देखते हैं कानसेन में कितना पावर है, बोलो उमापति महादेव की। जो ज्यादा जयकार लगाएगा उनके 5100 रुपए का गूगल पे मैं करूंगा, अब देखना। हाँ आपके खाते में भी डालेंगे, नो टेंशन है आप। हाँ बोलो गौ माता की, अब इधर से देख लेना, रुकना आप, बोलो राणा भाई जी महाराज की। निवड़ गया मुनि जी कौन था गाले। हाँ मामलो फेल है, देख लिया तानसेन डुप्लीकेट है। हाँ लीजिएगा भाई साहब, सर और कोई आगे का संबोधन, बाकी मेरी गाड़ी तो नॉन स्टॉप चलेगी। चलो दी की पवन धरती पर चंबेश्वर नगर में एक शाम गौ माता के नाम रहेगा, विशाल भजन से आपको टाइम मिले तो जरूर पधारिएगा। लगभग 1,00,000 गौ भक्त इकट्ठे होंगे, लगभग 1,00,000 गौ भक्त कल इकट्ठे होंगे, आपको मोस्ट वेलकम है। राजू भाई मांझू का बहुत निमंत्रण आया कि मंगलपुरा में आपको, क्या बात है, सॉरी थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई। संजय जी इनाने, संजय जी इनानिया किशनगढ़ तालु से स्वागत, 21,000 रुपए। संजय भाई साहब के लिए तालियां बजाएं, जयकारे में ताली में कंजूसी ना करें, क्योंकि सोने को रगड़ने से कीमत कम नहीं होती, और जागरण में ताली बजाने से नाचने से और जयकारा लगाने से इज्जत कम। ये ताली आज जगह है ताली बजाने की, जने बोला ताली बजाओ यार, आई ताली काले चोरे मत, दिन बजे वे तो थे चेड़ो लगोड़ो जो हड़कवात कराओ, हर चीज जगह जगह पे चौकी लागे। बोलो गौ माता की, लीजिएगा रूपाराम जी मुरावतिया जी। रास्ते में टेलीफोन आयो, उस गौशाला में राधे कृष्ण भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में जाके देखा तो भगवान कृष्ण के गले में एक सोने का तीमणिया जिसे टेवटा बोलते हैं 7 तोले का, एक माताजी चढ़ा के चले गए, गुप्त दान, गुप्त दान 7 तोले का तीमणिया गौशाला में चढ़ा चला गया, और 1100 रुपए सामने रख दिए राधा रानी के सामने, और 7 तोले का तीमणिया भगवान कृष्ण के गले में डाल के चली गई। साहब ये होता भाव, भाव आदमी के अंदर कब जागृत हो जाए कोई टेम नहीं लगे, इन वास्ते भाव बहुत जरूरी है। आप उठ के जा रहे हैं, आपका भाव या तो यह नहीं है या फिर आपका मन कहीं और भटक रहा है, क्योंकि आदमी रो मन बहुत दौरो है। हर आदमी चाहे मरकने, हर आदमी चाहे मेरा नाम है, हर आदमी चाहे मेरी प्रॉपर्टी बढ़े, तो साहब दिया बिना प्रॉपर्टी बढ़वाली कौन है, क्यों भगवान तो कहे तू देर ले, तू देर मेरे से ले,
तू देगा तो मैं तेरे को दूंगा, तू एक रुपया दे फिर कुबेर का भंडार खोल दूंगा, तू एक कदम बढ़ा मैं तेरे लिए हजार कदम आने को तैयार हूं, हजार किलोमीटर आने को तैयार हूं, बस विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद। हरिराम जी पावा सेन 51,045 से स्वागत हरिराम जी का। पूनमचंद जी शर्मा डाब गांव 200 रुपए। रामनिवास जी, रामदेव जी, ओम प्रकाश जी 11,000 रुपए। बाबूलाल जी, छोटू राम जी, गणपत राम जी, ओगरा खारेड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये राशि बाद में और बोल देंगे, पहले भजन चलेगा और बोल देंगे अंतराल में। बोलो श्री गौ माता की, जोड़ी चलती रहेगी, भजन भी चलता रहेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट एक भजन के बाद आज ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं उनसे मेरा निवेदन, आपका नाम भी बोल देंगे। भाई साहब पीछे जो भी, हेलो पीछे देखिएगा एक बार, हेलो ओ मेरे हिंदुस्तान के शहर दी लाइन ऑफ इंडिया, बैठो एक बार। हाँ जाना कहीं नहीं है, अरे मैं 500 किलोमीटर चला थार बीच में आया, 500 किलोमीटर से आया। बोलो श्री गौ माता की, लीजिएगा जोरदार तालु से स्वागत। बोले गौ माता की, धरती मात की, भारत माता की, बोलो हर हर महादेव की। क्या बात क्या बात। देखो शुरुआत छो की है ना, गुरुमुखी गौ भक्त के हाथ की शुरुआत हुई है। 1,11,000 श्रीमती भवरी देवी जी, धर्मपत्नी श्री अंडाराम जी, आपके लाडले सुपुत्र अन्नाराम जी, हुक्माराम जी, पूर्णाराम जी, जोरदार तालु से स्वागत। 1,11,000 रुपए तालु से स्वागत। तालियां कम है आपकी, थोड़े हाथ ऊपर करके ताली बजाए, हमें भी पता चले, कैमरा पीछे रखे। 1,11,000 तो आज दिए और हर वर्ष 21,000 रुपए हर वर्ष देंगे, जोरदार तालु और स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अन्नाराम जी, हुक्माराम जी और पूर्णाराम जी का। श्रीमान गुदाराम जी, पुसाराम जी, चुनाराम जी डडारिया, 8 पट्टी की रसोई, 10 क्विंटल कुतर, 11,000 रुपए का नगद गौ माता को दान दिया, जोरदार तालु से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद गुदाराम जी, पुसाराम जी, चुनाराम जी डडारिया, वाह भाई वाह। हमारे बीच में मकराना पंचायत समिति प्रधान सुमिता जी बिचर पधार है, उनसे निवेदन है कि आप, क्योंकि आपका ये निर्वाचन क्षेत्र भी है और अभी आप प्रधान हैं तो महिलाएं खूब सारी भी बैठी है, गौ माता भी आपसे कुछ आशा रखती है, तो कुछ घोषणाएं करते हुए आपका उद्बोधन होगा सुमिता जी बिचर प्रधान पंचायत समिति मकराना। माननीय मंत्री महोदय, मकराना विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय और सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, मंच पे विराजमान सभी समाज सेवी भामाशाहें, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरा, आज मंगलपुरा की पावन धरा पर जो ये गौशाला में आयोजन रखा गया है बहुत ही सराहनीय है, जिसमें भानुभाई ओम जी मुंडेल पधारे हैं, आधे लोग तो इनकी बातें सुनने और ज्ञान अर्जित करने आए हैं। जब से मैंने सुना कि यहाँ पे ओम जी मुंडेल पधारने वाले हैं, बहुत से लोग इनकी बातें सुनने, ज्ञान अर्जित करने और इन्हें देखने कि ये बातें बहुत अच्छी करते हैं और जो ज्ञान की बातें करते हैं उनसे भावना प्रभावित होती है। आप सबको मालूम है ये वो शख्सियत है जिन्होंने गौ माता को, हमारे भारत में वैसे ही माता माना गया है, लेकिन इन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए जो आंदोलन में अपना बहुमूल्य वक्त और जो आंदोलन खड़ा किया है, 7 नवंबर 2021 को ये नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं,
जिसमें गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाएगा और इस आंदोलन में हम सब इनका साथ देंगे। और मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो गौ माता के लिए भक्ति करते हैं, गौ माता के लिए दान करते हैं, उससे बड़ा पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार आप सब मेरे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैं आप सबसे ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मैं आप 25 नंबर वार्ड से यही पंचायत समिति सदस्य बन के आप सबके समक्ष आई थी। आप लोगों ने मुझे यहाँ से जिताया था, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि नमन धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सबको ये विश्वास भी साथ ही दिलाना चाहूँगी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अभी बहुत से महानुभव मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में आते हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैं उनका कार्य सबसे पहले करूँगी। वैसे तो पूरा मकराना पंचायत समिति क्षेत्र मेरा ही है, लेकिन आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि आप लोग बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने मैं मकराना से आकर आपके यहाँ मंडल का जो चुनाव जीती हूँ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मेरे ससुर जी श्री राम जी बीचर साहब ने आप लोगों के दिलों में उनके लिए जो मैंने प्रेम और स्नेह देखा है, उसे देख के मुझे लगा कि हाँ सच में इंसान तो इन्हें बोलते हैं इंसानियत जिसमें जिंदा होती है। आप सबने वो करके दिखाया, जब मुझे यहाँ से बहुमूल्य वोट मिले, और वोट भी कैसे मिले, मैंने आके आपका इनका नाम ही नहीं लिया, उससे पहले बोला कि यहाँ के उनके आप उनके हो हम उनके हैं, बस इतना सा हुआ था। लेकिन आप लोगों के दिल में जो इनकी जगह है, मैं आगे भी यही आशा चाहूँगी कि ये जो प्रेम और आदर है यूं ही बना रहे। जैसे ये आपके लिए समर्पित है, आप हमारे लिए समर्पित है, और ऐसे ही आगे रहेंगे। क्योंकि ये राजनीति मंच नहीं है, इसीलिए अभी राजनीति की बात इतनी होगी। आज इस गौशाला के अवसर पर मैं यहाँ पधारी हूँ, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस इवेंट में इन्वाइट किया है। दूसरा, गौशाला के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करती हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सभी ने बोला मंगलपुरा छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा गांव है, लेकिन मेरे 25 नंबर वार्ड में जो 7 गांव है, उनसे सबसे छोटा और प्रिय गांव यही था। आप लोगों को मालूम है मैंने आधे घंटे के अंदर पूरा गांव में राउंड लगाया था, और जो राउंड लगाया उसमें मुझे जो सम्मान और आत्मसम्मान मिला वो बहुत ही सराहनीय था। यहाँ की जनता में उनके लिए मेरे लिए बहुत ही सम्मान है मेरे हृदय में। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो गौ माता की।